और बात महाराष्ट्र से आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। शरद पवार से अजीत पवार ने मुलाकात की है। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, हसन मुशरीफ और अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे समेत सुनील तटकरे भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो जिस तरीके से अजीत पवार और 9 विधायक अलग हुए हैं एनसीपी से, उसके बाद ये पहली मुलाकात है जब शरद पवार से यहां मुलाकात की गई। योग्य विचार करावा आणि येणारा दिवसामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा ते करावा अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे। आदरणीय पवार साहेबांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही, शांतपणे आमच्या सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहो। उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेचा अधिवेशन पण सुरू होत आहे। सर्व मंत्री अजित दादाच्या नेतृत्वामध्ये उद्यापासून आपापल्या विभागाची जबाबदारी विधानसभेमध्ये सुद्धा पार पाडतील। एक मिनिट, आज हम सब लोग, हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबळ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील, माननीय हसन मुशरीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब, सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजित पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनंती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई, आपके पास न जवाब है न प्रश्न, हम आपके लेने वाले हैं।